children, good morning. Today in this class, I am going to tell you about the difference between in and into. One of you student asked me yesterday, sir, what is difference between into and in? So today in this class, we are going to study about in and into. Dear students, in and into both are preposition. ये दोनों in and into preposition है, लेकिन इनका meaning same होते हुए भी इनका use अलग अलग जगह पर होगा. Both the preposition have the same meaning, but the uses of both the prepositions are in different way. मैंने कहा he is running the room, वहाँ room में दौड़ रहा है. यहाँ पर आपको in और into दोनों प्रीपोजिशन में किसी एक प्रीपोजिशन को फिल करना है, तो आप कौन सा प्रीपोजिशन फिल करेंगे? आप में से कुछ इन फिल करेंगे, आप में से कुछ इसमें इनटू फिल करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही कहीं मौजूद है, जब कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही कहीं मौजूद है, उसके लिए हमें इन प्रीपोजिशन का यूज करना है. और जब कोई ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में हो, मोशन करता हो, गति करता हो और आउटसाइड टू इनसाइड एंट्री करता हो, उसके लिए हमें इनटू प्रीपोजिशन का यूज करना है. ही इज रनिंग इन द रूम, यहाँ पर इन जो प्रीपोजिशन का यूज किया है वो सही होगा और इनटू जो किया है वो रोंग होगा. अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर रनिंग भी तो मोशन है, रनिंग भी तो गति है, तो यहाँ पर इनटू क्यों नहीं आया? डियर स्टूडेंट्स, ये एक रूम है, इस रूम में ये कोई व्यक्ति है और ये इस रूम में यहाँ से यहाँ रनिंग कर रहा है. क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है, मीन्स दौड़ रहा है. मोशन तो हो रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति है वो पहले से ही इस रूम में मौजूद है. मैंने आपको बताया पहले से ही मौजूद हो, पहले से ही मौजूद हो, कोई व्यक्ति कोई वस्तु पहले से ही मौजूद हो, उसके लिए हमें इन प्रीपोजिशन का यूज करना है. यहाँ व्यक्ति पहले से ही मौजूद है, क्लियर? ये यहाँ पर मोशन कर रहा है, मोशन इस रूम के अंदर हो रहा है, लेकिन व्यक्ति इस रूम के अंदर पहले से ही मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? इन. ही इज रनिंग इन द रूम, वह रूम में दौड़ रहा. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई जंप्ड द रिवर, मैं रिवर में कूदा. आई जंप्ड मीन कूदा, इसका मतलब आप आउटसाइड से इनसाइड एंट्री कर रहे हो. आई जंप्ड इनटू द रिवर, आई जंप्ड इनटू द रिवर मीन्स रिवर में आपने क्या किया? जंप लगाया. इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? मोशन हुआ, साथ में आपका आउटसाइड से इनसाइड एंट्री हुई, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? क्या यूज होगा? इनटू प्रीपोजिशन. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज द किचन, वहाँ किचन में है, मीन्स पहले से ही किचन में है, वो मोशन नहीं कर रहा है. क्लियर? आउटसाइड से इनसाइड एंट्री नहीं हुई, वो पहले से ही किचन में मौजूद है. क्लियर? इसके लिए आप क्या कहेंगे? इन प्रीपोजिशन का क्या यूज करेंगे? इन. ही इज इन द किचन. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज अ पेन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में पेन है, मीन्स उसकी पॉकेट में पेन है, मीन्स पहले से ही उसके पॉकेट में पेन मौजूद है, इसलिए अब यहाँ क्या करेंगे? इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही वहाँ पर है, मौजूद है, उसके लिए हमें इन का यूज करना है. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस इज वाटर इज द ग्लास, वाटर इज द ग्लास, सॉरी वाटर इज द ग्लास डेज यहाँ पर, एंड आई एम पोरिंग वाटर डेज ने रखा है यहाँ पर द ग्लास. डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर, हियर इज अ ग्लास. मैंने कहा
वॉटर इज द ग्लास, यदि इस ग्लास में पहले से ही वॉटर है, मैंने कहा वॉटर इज द ग्लास, यानी कि ग्लास में वॉटर है, इसका मतलब इस ग्लास में पहले से ही वॉटर मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ए क्लियर, वॉटर इज इन द ग्लास, ग्लास में वॉटर है, पानी। यदि मैं इस वॉटर को इस ग्लास में जिसमें वॉटर नहीं है इसमें मैं इस वॉटर को डालता हूँ, लुक हियर, मैं कहूँगा आई एम पोरिंग वॉटर इन द ग्लास, इन या फिर इन टू, वेरी गुड, इन टू, आई एम पोरिंग वॉटर इन टू द ग्लास। डियर स्टूडेंट्स, मैंने वॉटर को आपके सामने इस ग्लास में डाला, डालने का काम किया, एक्शन हुए, इसलिए यहां पर क्या आएगा, इन टू क्या आएगा, इन टू प्री पोजिशन होगा, इन टू, आई एम पोरिंग वॉटर इन टू द ग्लास, मैं ग्लास में पानी डाल रहा हूं, डालने का एक्शन हुआ, इसलिए इन टू, और यहां पर इन इसलिए आया क्योंकि वॉटर पहले से इस ग्लास में मौजूद था, उसमें ग्लास में वॉटर था। डियर स्टूडेंट, इफ आई से कि मेरे जेब में चश्मा है, तो मैं बोलूंगा आई हैव स्पेक्स इन माई पॉकेट, आई हैव स्पेक्स इन माई पॉकेट, क्योंकि चश्मे मेरे जेब में मौजूद है, क्लियर। अब मैं आपसे ये बोलूं, इस बैग में पहले से ही जो भी डाल रहा हुआ पहले से ही, मैंने कहा देयर इज अ कैलकुलेटर इन दिस बैग, इस बैग में कैलकुलेटर है, इसका मतलब कैलकुलेटर पहले से इसमें मौजूद है। देयर इज अ पेन इन दिस बैग, इस बैग में पेन पहले से ही मौजूद है, इसलिए मैंने क्या बोला कि स्टूडेंट्स, यदि कोई वस्तु पहले से ही कहीं मौजूद है उसके लिए हमें इनका यूज करना है, और जब गतिशील अवस्था में होती है, मोशन होता है और आउटसाइड टू इनसाइड एंट्री होती है, तो उसके लिए हमें इनटू का यूज करना है। डियर स्टूडेंट्स, टुमारो आई विल टीच यू अनदर टॉपिक, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।